बड़ी खबर है, विपक्षी दलों का संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन। राहुल गांधी, सोनिया गांधी प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल धरने में शामिल हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गांधी प्रतिमा के पास विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन चल रहा है। विपक्षी दलों का संसद में गांधी प्रतिमा के पास प्रोटेस्ट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल धरने में शामिल हैं। संसद में काफी बवाल हो रहा है, काफी हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी को माफी मांगने को लेकर के एक और जहां बीजेपी अड़ी हुई है, तो वहीं राहुल गांधी माफी मांगने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर सदन में काफी हंगामा हुआ और सदन 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद तमाम विपक्षी सांसद गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर मौजूद हैं, कुर्सी पर बुजुर्ग होने के चलते सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। ढपली बजा रहे हैं सांसद और लगातार अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। संजय सिंह से लेकर यानी आम आदमी पार्टी से लेकर BRS यानी भारत राष्ट्र समिति के सांसद भी इसमें मौजूद है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद यहां पर नहीं है, लेकिन लगातार जोर शोर से प्रदर्शन जारी है। राहुल गांधी ने कल कहा था कि संसद में मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा तो मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन संसद आज भी नहीं चल पाई और स्थगित हो गई, जिसके बाद धरना प्रदर्शन जारी है। यानी अडानी के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच रस्साकशी लगातार जारी है। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।